ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल जरूर उठता होगा कि हमें शिवलिंग पर जल खड़े होकर चढ़ाना चाहिए या फिर बैठकर। तो मंदिरों में दो तरह के शिवलिंग होते हैं, एक विष्णु शिवलिंग, दूसरा शक्ति पार्वती शिवलिंग। बहुत ध्यान से सुनना, एक तो वो शिवलिंग रहता है जो जमीन पर डायरेक्ट जलाधारी रहती है, और पूरी की पूरी शिवलिंग जमीन पर रखी रहती है। तो जो डायरेक्ट जलाधारी और शिवलिंग जमीन पर रहता है वो शक्ति शिवलिंग होता है। माता पार्वती की हस्त कमल पर ही वो शिवलिंग रखा होता है। और दूसरा शिवलिंग डमरू जैसा होता है, उसमें नीचे स्टैंड होता है, नीचे शिवलिंग रखने की जगह होती है और उसके ऊपर शिवलिंग रखा रहता है। और आपने ज़्यादातर इस शिवलिंग का दर्शन भी किया होगा। तो जो डमरू जैसा भाग बना शिवलिंग है, ये भगवान विष्णु का हस्त कमल है, और ऊपर का जो भाग है वो भगवान ब्रह्मा का हस्त कमल है। इसको विष्णु शिवलिंग कहते हैं और इसी को हरि सर्वेश्वर शिवलिंग भी कहते हैं। तो शिव मंदिर में शिवलिंग हाइट पर जो रखी होती है या फिर ऊंचाई पर रखी होती है, और डमरू जैसा भाग है उसके ऊपर जलाधारी है, जलाधारी के बाद शिवलिंग का निर्माण किया गया है, वो विष्णु शिवलिंग कहलाता है। वहीं अगर आप 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करेंगे तो उसमें नागेश्वर ज्योतिर्लिंग छोड़कर आपको कोई भी शिवलिंग डमरू जैसा यानी विष्णु शिवलिंग नहीं मिलेगा, सब शक्ति शिवलिंग ही मिलेंगे। आप जितने भी शिवलिंग देखेंगे, काशी का देखेंगे, महाकालेश्वर का देखेंगे, तो जमीन पर ही जलाधारी है महाकाल बाबा की। आप चाहे तो विश्वनाथ देख लीजिए, डायरेक्ट जमीन पर ही वो शिवलिंग रखा है। तो दोस्तों, शास्त्र कहता है कि आप अपनी जिंदगी में एक बात बहुत याद रखना कि शक्ति शिवलिंग का जब जब अभिषेक करें, जब जब जल चढ़ाएं, तो बैठकर ही चढ़ाना। भले शिवलिंग कितना भी ऊँचा हो, हाथ ना पूरा पहुँच पाता हो, तो आधे शिवलिंग पर ही जल चढ़ाना, आधे शिवलिंग पर ही पानी चढ़ाना, पर बैठकर ही स्नान कराना शक्ति शिवलिंग का। और यदि हरि सर्वेश्वर शिवलिंग है तो वो शिवलिंग का जब भी स्नान कराना, तो अभिषेक कराना, पूजन कराना, तो खड़े होकर ही कराना। और शास्त्र अनुसार खड़े होने का भी तरीका होता है, आपके दोनों चरण बराबर में रखकर कभी भी शंकर भगवान के शिवलिंग का स्नान नहीं कराना। अगर हरि सर्वेश्वर शिवलिंग है तो दोनों पांव बराबर रखकर जल नहीं चढ़ाना। एक दाहिना पैर अपना थोड़ा सा आगे निकाल लेना और अपना बायां पैर हल्का पीछे करके भगवान शंकर का जल अभिषेक करने पर, जैसे अपने चरण रहते हैं भगवान शंकर, ठीक उसी तरीके से लक्ष्मी को दौड़ाते हुए आपके घर में प्रवेश करा देते हैं। हर हर महादेव।